गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भाई आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लर्निंग कर्व। ठीक है, ये ऑपरेशनल रिसर्च का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लर्निंग कर्व। अपनी इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये 7वां चैप्टर है और हमारी बुक में ये चैप्टर नंबर 15 है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लर्निंग कर्व होता क्या है, बेसिक क्या है इसकी, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम, क्या रीजन है। थोड़ी सी मैं इसमें एक थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 15.2 पर हमारी बुक में एक लिखा है लर्निंग कर्व इफेक्ट। पढ़ेंगे इसे जरा। लर्निंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ पर्सन एक्वायर्स द स्किल्स टू डू अ जॉब। व्हेन अ जॉब इज टेकन अप फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्कर इज न्यू टू द जॉब एंड ही टेक्स कंसिडरेबल टाइम टू कंप्लीट इट बिकॉज हिज परफॉर्मेंस इज नॉट एट इट्स बेस्ट। बट वेन द सेम जॉब इज रिपीटेड ही इज एबल टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द स्किल ही हैज एक्वायर्ड बाई डूइंग अ सिमिलर जॉब अर्लियर। दिस फिनोमिना इज नोन एज लर्निंग इफेक्ट। इट अप्लाइज ओनली टू लेबर ओरिएंटेड ऑपरेशन। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो जब भी हम काम वो पहली बार करते हैं तो चूंकि हम पहली बार कर रहे होते हैं हमारे को उस काम की पहले से कोई जानकारी नहीं है तो हम लोग ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन जब वही काम हम दोबारा करते हैं, रिपीट करते हैं, तो क्या है, हमें पहले से जो काम का हमें एक्सपीरियंस हुआ है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम दूसरी बार में वो काम जल्दी कर लेते हैं और हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो जो हमारी इंप्रूव इन एफिशिएंसी है वो किसकी वजह से हो रहा है, लर्निंग कर्व इफेक्ट की वजह से या लर्निंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब लर्निंग आप बताइए ह्यूमन बीइंग को ही होगी, मशीनों को तो लर्निंग होती नहीं है। मशीन है उसमें अगर कोई कमांड दे दिया तो वो कमांड अपना चलता रहेगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है जो थकता भी है। इसीलिए लर्निंग कर्व जो इफेक्ट, लर्निंग कर्व की जो इफेक्ट होते हैं या उससे जो कॉस्ट में फर्क पड़ता है वो लेबर या लेबर रिलेटेड कॉस्ट पे ही पड़ता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको और समझाते हैं। सपोज करिए यू आर ओनर ऑफ ए गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, आपका एक गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस है एंड अभी जो आप बना रहे हैं आप लोग अभी पैंट और शर्ट बनाते हैं ऑफ बिग ब्रांड, पीटर इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े ब्रांडों की आप पैंट और शर्ट बना के देते हैं। अब यू गॉट एन ऑर्डर ऑफ 10 लाख टी शर्ट फ्रॉम गैप। गैप यूएसए का बहुत बड़ा ब्रांड है और आपको 10 लाख टी शर्ट बनाने का उसने ऑर्डर आपको दिया। अब आप 10 टी शर्ट तो आपने कभी बनाई नहीं, आप शर्ट बनाते हैं, शर्ट कॉटन की होती है, कॉटन का कपड़ा लिया, काटा पीटा और बना के दे दिया।
ठीक है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। अब आपको ऑर्डर मिला सीधा यूएसए से, वो भी 10 लाख पीसेस का, तो आपने क्या किया, आप तो खुशी से फूले नहीं समाए, आपने कहा यार मेरी अमेरिका में जान पहचान हो गई अब तो। आपने अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि भाई इस जो प्रोडक्ट है टी शर्ट की, वो कॉस्ट शीट बनाइए। तो प्रोडक्शन मैनेजर्स की जो कॉस्ट शीट थी वो ये थी। उसने कहा सर आपका जो क्लॉथ लगेगा वो सर 4 मीटर कपड़ा लगेगा, और सर हम 25 रुपए के रेट से लेंगे तो 100 रुपए का तो सर कपड़ा लग जाएगा। ठीक है सर, सर लेबर जो लगेगी इसमें वो 4 घंटे लेबर लगेगी सर, 15 रुपए के हिसाब से सर 60 रुपए की हमारी लेबर लग जाएगी। सर जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 4 घंटे के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 40 रुपए के। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आई कितनी, 200 रुपए। अब इसने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर दिया था आपको 175 रुपए पर टी शर्ट का। ठीक है, चलिए, तो आपके पास जो ऑफर है उसके हिसाब से 175 रुपए है, तो लॉस हो रही है आपको कितनी, 25 रुपए की। प्रोडक्शन मैनेजर का व्यू क्या है, वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, हमें ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी समझदार आदमी होगा यही बोलेगा कि सर क्या फायदा है ऐसे काम करने का, 200 रुपए में आपका बन रहा है और आप 175 में उसे बेचोगे। तो आपने कहा यार ये कौन सी बात हुई, दुनिया में ये दूसरों को 170 रुपए पे दे रहे हैं, मैंने निगोशिएट करके 175 रुपए का ऑर्डर लिया और फिर भी मेरे को लॉस हो रहा है। तो आपने क्या किया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया। ठीक है, ठीक है ना, यू हायर अ सीए एंड आस्क हिम टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, उससे कहा यार इसकी कॉस्ट शीट बनाओ। ठीक है ना, तो सीए ने क्या एक्शन लिए, उसने देखिए, उसने कहा रॉ मटेरियल में तो कोई बात नहीं है, ओके इतना ही लगेगा। जैसे ही उसने लेबर पे आया तो उसने लेबर के लिए जो टेलर होता है ना उससे पूछा कि यार आपको 4 घंटे क्यों लग रहे हैं, शर्ट तो आप 1 घंटे में बना देते हो तो टी शर्ट में 4 घंटे क्यों लग रहे हैं। तो जो टेलर था, टेलर ने बोला सर आई एम मेकिंग टी शर्ट फर्स्ट टाइम। इस लाइन को जरा ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला कि मैं अपनी जो टी शर्ट है वो पहली बार बना रहा हूं, इस वजह से मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है सर। तो सीए ने क्या बोला, चलो मैंने तेरी बात मान ली, तू पहली टी शर्ट बनाएगा तो तुझे 4 घंटे लगेंगे, ठीक है ना, दूसरी टी शर्ट में, तो दूसरी टी शर्ट में छूटते ही बोला सर मैं 3 घंटे में बना दूंगा सर।
तीसरी टी शर्ट में सर 2.5 घंटे तो बना ही दूंगा 2.5 घंटे में। चौथी टी शर्ट सर 2 घंटे में बना दूंगा। पांचवी टी शर्ट तो सर उसने कहा 2 घंटे तो सर लगेंगे क्योंकि इनकी एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज कई वेराइटीज की होती है, सर 2 घंटे से कम में नहीं बन पाएगी। तो सीए ने कहा ठीक है ओके 2 घंटे मान लिया। तब उसने जाके अपने ओनर को बताया कि बॉस तुम्हारा बंदा तो 2 घंटे में बना सकता है, तुमने 4 घंटे ले लिए, गलत कैलकुलेशन करी। तब जो सीए ने कॉस्ट शीट बनाई उसने क्या बनाया, रॉ मटेरियल 4 मीटर सही है 25 रुपए से, सर 100 रुपए का मटेरियल सही लगाया इसने। जो लेबर लगाई थी सर अब वो लगाई आप 2 घंटे के हिसाब से, और जो वेरिएबल ओवरहेड होंगे वो भी 2 घंटे के हिसाब से होंगे। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई वो कितनी आई, 150 रुपए। ऑफर कितने का है, 175 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपए पर पीस। अब देखिए फर्क पड़ गया, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा 25 रुपए लॉस है और सीए ने क्या बोल दिया, 25 रुपए का प्रॉफिट है। सीए ने 25 रुपए का प्रॉफिट क्यों बताया, सीए ने 25 रुपए का प्रॉफिट इसलिए बताया क्योंकि वो सीए, अब जब सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था तो उसने लर्निंग कर्व चैप्टर पढ़ा था बीएल चक्रवर्ती सर से, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से लर्निंग से, लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हुई। तो रिकमेंडेशन क्या थी, वी मस्ट एक्सेप्ट द ऑर्डर, हमें यह ऑर्डर जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर हुआ, तो यह जो डिसीजन चेंज हुआ यह डिसीजन सिर्फ इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि कॉस्ट शीट उसने बनाई थी आफ्टर कंसीडरिंग द लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वे में बताया, ठीक है। तो अब हम इससे क्या सीखे, हमने इससे ये सीखा नंबर वन, लर्निंग कर्व apply on labor and labor related cost, learning curve not apply on machine, ठीक है, learning curve apply for the first time work, ऐसे काम पर apply करते हैं जो पहली बार कर रहे हैं, यानी कि learning curve not apply for the experienced, skilled word use नहीं कर रहा हूं मैं, experienced word use कर रहा हूं, experienced लेबर हु हैज डन सिमिलर वर्क अर्लियर, पहले उसने ऐसा काम कर रखा है। चलिए ये हमने सीखा, ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और समझते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से।
किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें कैसे पता चले कि हमें लर्निंग हुई है? तो जरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैंने एक यूनिट बनाई है 10 घंटे में, तो मुझे कैसे पता चले कि मैंने लर्निंग की है? मुझे तब पता चलेगा कि उतनी ही क्वांटम का काम मैं दूसरी बार कितनी बार में कर रहा हूं। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, उतनी ही क्वांटम का काम मैं अगली बार में कितने टाइम में कर रहा हूं। तो अगर मैं कहता हूं कि अगली एक यूनिट मैंने 8 घंटे में बनाई, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 2 घंटे की मैंने सेविंग कर ली। किस वजह से? लर्निंग इफेक्ट की वजह से। सही है कि नहीं? अब यहां बनाने के बाद मुझे टोटल लर्निंग कितने की हो गई? मुझे 2 यूनिट बनाने की लर्निंग हो गई है, तो 2 यूनिट मैंने कितने घंटे में बनाई? 18 घंटे में। अब मैं कहूंगा कि 2 यूनिट मैंने 18 घंटे में बनाई हैं, तो मैंने बोला सेम क्वांटम, उतनी ही क्वांटम मैं अगली कितनी बार में बनाता हूं, तो मैं देखूंगा नेक्स्ट 2 यूनिट मैंने कितने घंटे में बनाई। तो मैंने समझा, सपोज कर लीजिए मैंने अगली 2 यूनिट 14 घंटे में बना दी, तो यानी कि मैंने 4 घंटे की सेविंग कर ली। फिर मैं देखूंगा कि अब मुझे 4 यूनिट की लर्निंग हो गई है, और 4 यूनिट में बना रहा हूं 32 घंटे में, तो अब मुझे देखना है कि मेरी और लर्निंग कितनी हुई। तो मैं इतनी ही 4 यूनिट अगले कितने घंटे में बनाता हूं, ठीक है ना? तो मैंने कहा नेक्स्ट 4 यूनिट, सपोज कर लीजिए नेक्स्ट 4 यूनिट मैं 27 घंटे में बनाता हूं, तो मुझे 5 घंटे की लर्निंग हो गई। यानी कि मैंने 8 यूनिट बना दी अब कितने घंटे में? 59 आवर्स में। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट अब इसी से ड्राइव करेंगे। हम देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्शन को डबल कर रहे हैं, डबल का मतलब है दुगना कर रहे हैं। तो दुगने करके हम ये देख लेते हैं कि जितना काम हमने पहले किया था उतना ही काम अगली बार हमने कितना कर लिया, ठीक है? तो हम कहेंगे कि भाई 2 यूनिट हमने 18 घंटे में बनाई, अगली दो यूनिट मैंने 14 घंटे में बनाई, यानी कि टोटल 4 यूनिट मैंने 32 घंटे में बनाई। तो मैं इसी डाटा को यूज करूंगा अपने प्रोडक्शन को डबल कर करके, और फिर इस डाटा को यूज करके मैं अपनी इंक्रीमेंटल लर्निंग निकालूंगा। बताता हूं कैसे। तो लर्निंग कर्व में वी हैव टू प्रिपेयर, हमें 2 चीजें बनानी होंगी। एक तो उस कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व, और दूसरा बनता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कोई खासियत नहीं है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने कॉस्ट पढ़ना शुरू किया है। तो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व। स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व कैसे बनता है समझ लें। यहां पर लिखते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन और यहां पर लिखते हैं हम लोग एवरेज टाइम पर यूनिट, यहां पर लिखते हैं हम लोग टोटल टाइम और यहां पर फिर लिखते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल टाइम। समझ लीजिए, सपोज करिए मैं पहली यूनिट बनाने में मेरे को टोटल टाइम लग रहा है 100 आवर्स, तो एवरेज टाइम भी कितना हुआ 100 आवर्स हुआ। लर्निंग कर्व आपको दे रखा है कि 90% है, ये नॉर्मली दिया रहता है। तो जो लर्निंग कर्व 90% है ये हमेशा अप्लाई होता है एवरेज टाइम पर यूनिट पे अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट ये बनता है कि लर्निंग कर्व से आपका एवरेज टाइम इंप्रूव हो जाता है। देखो जरा, मैंने पिछले पेज में समझाया था, यहां पर मेरा एवरेज टाइम कितना आ रहा था, यहां पर आ रहा था मेरा एवरेज टाइम 9 घंटे पर यूनिट, आ रहा था कि नहीं, और यहां पर कितना हो गया वो 8 घंटे पर यूनिट। तो जो ये 1 घंटे का आया है, ये 1 घंटे की जो सेविंग हुई है पर यूनिट में, ये मेरी लर्निंग की वजह से हुई है। तो जब आपको लर्निंग कर्व रेशियो दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्शन को आप डबल करते जाएंगे और इसमें आप लर्निंग कर्व से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आप फिर से प्रोडक्शन डबल करिए और फिर से लर्निंग कर्व से मल्टीप्लाई करिए, फिर से प्रोडक्शन डबल करिए और फिर से लर्निंग कर्व से मल्टीप्लाई करिए। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट यह बन रहा है कि आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे आपका एवरेज टाइम कम होता जाता है, ठीक है ना। तो एक यूनिट पे 100 घंटे हैं तो 2 यूनिट पर टोटल आपको कितने घंटे लगेंगे, 180 घंटे। 4 यूनिट पर आपको टोटल कितने घंटे लगेंगे, 324 घंटे। और 8 यूनिट पर कितने घंटे लगेंगे, 8×7=56,560, 576। तो अगर इसको इंक्रीमेंटल टाइम समझें, इसका मतलब है कि एक यूनिट आपने 100 घंटे में बनाई और 2 यूनिट आपने 180 घंटे में बनाई, यानी कि नेक्स्ट वन आपने कितने घंटे में बना दी, 80 घंटे में बना दी। टोटल 2 यूनिट आपने 180 घंटे में बनाई तो अगली 2 कितने घंटे में बना दी आपने, 144 घंटे में। टोटल 4 आपने 324 घंटे में बनाई तो अगली 4 आपने कितने घंटे में बना दी, ये 60
259.2 आवर्स में। और यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि लर्निंग कर्व में सेम क्वांटम हम लोग कंपेयर करते हैं, उतना ही काम कितने टाइम में किया है। इसके बाद ये तो पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट मैंने बताई आपको, वो बनती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वो सिंपल सी वैसे ही जैसे हम लोग बनाते रहे हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसे हम बना लेंगे इसको। इसमें कोई मेजर चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से जो भी हमने पढ़ा है उस चीज को समझेंगे। हमारी बुक में आप P3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जरा एक बार पढ़ ले अच्छी तरह से। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड टू मेक द फर्स्ट इक्विपमेंट इज 2000 आवर्स। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, और जब भी आप लर्निंग कर्व का क्वेश्चन कर रहे हो, पहली यूनिट में कितना टाइम लग रहा है ये आपने ढूंढ के निकाल ही लेना है, ठीक है। चलिए, लर्निंग कर्व इज 80%, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹4 पर आवर, डायरेक्ट मटेरियल नीडेड फॉर वन इक्विपमेंट इज 7200 एंड फिक्स्ड ओवरहेड इज ₹32,000। यूजिंग द लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 इक्विपमेंट 8 इक्विपमेंट। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं P3 क्वेश्चन। इसमें हमको लर्निंग कर्व कितना दिया है जरा देख ले। लर्निंग कर्व है 80%। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व, ठीक है। पहला कॉलम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, दूसरा कॉलम एवरेज टाइम पर यूनिट, तीसरा कॉलम टोटल टाइम, और चौथा इंक्रीमेंटल टाइम, ठीक है। तो पहली यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 2000 घंटे। तो पहली यूनिट बनाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है 2000 घंटे। तो एवरेज टाइम पहली यूनिट का कितना आएगा, 2000 घंटे। प्रोडक्शन डबल करें तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें हम लोग 80% से करेंगे तो एवरेज टाइम आ जाएगा 1600। फिर से प्रोडक्शन डबल करें तो ये 4 हो जाएगा, और इसका 80% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1280। फिर से प्रोडक्शन डबल करें, ये डबल करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इसका 80% करेंगे तो ये हो जाएगा 1024, ठीक है।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि चार मशीन और आठ, चार इक्विपमेंट और आठ इक्विपमेंट के लिए हमें बनाना है कॉस्ट शीट, तो हमने आठ के लिए लर्निंग कर्व निकाल लिया। अब हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन, 2 × 1600 टोटल टाइम कितना आएगा, 3200 आवर्स, 4 × 1280 यह आ जाएगा 5120 आवर्स, एंड 8 × 1024 यह आ जाएगा हमारा 8192 आवर्स। चलिए अगला हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फोर इक्विपमेंट के लिए बनाएंगे और एट इक्विपमेंट के लिए बनाएंगे। चलिए देखिए मटेरियल कितना लग रहा है, एक इक्विपमेंट के लिए है 7200 और लेबर कॉस्ट है 4 आवर्स। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कितना लगेगा, 7200 × 4, 7200 × 8, एक इक्विपमेंट के लिए 7200 है ना। चलिए डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी, अब डायरेक्ट लेबर आप यहां पर लर्निंग कर्व से देख लीजिए, चार इक्विपमेंट के लिए जो डायरेक्ट लेबर है वो कितनी है, 5120 घंटे। यहां पर आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक इक्विपमेंट आपका 2000 घंटे में बन रहा था, तो अगर हम लर्निंग कर्व नहीं जानते तो चार इक्विपमेंट की हम कैलकुलेशन करते 8000 घंटे, लेकिन जब हमने लर्निंग कर्व इफेक्ट देखा तो हमने देखा चार इक्विपमेंट के जो घंटे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 5120 घंटे। तो हम यहां पर 5120 घंटे और मल्टीप्लाई रेट जो है वो 4 रुपए का रेट है वो करेंगे। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो इसमें 8 यूनिट का आ रहा है 8192, तो यहां पर हम लेंगे 8192 आवर्स और रेट तो 4 रुपए पर आवर ही, ठीक है ना, फिगर से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड हमारा है नहीं और फिक्स्ड ओवरहेड हमारा है 32,000 रुपीज। ठीक है, इसको जब हम कर देंगे तो यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसकी जरा कैलकुलेशन करें, एक सेकेंड, पहले वाले का टोटल आएगा 8120 और दूसरे वाले का टोटल आएगा 122368। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो ये आएगी 20,320 15,096 रुपये। ठीक है, तो ये आंसर हमारा 1 हो गया। अब आंसर 2 पढ़े, आंसर 2 है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग 8 इक्विपमेंट, इस पर अंडरलाइन करें, 8 इक्विपमेंट बन चुके हैं तो हमने जो कॉस्ट शीट बनाई थी 4 और 8 की, डिसीजन हुआ कि 8 इक्विपमेंट बनाए जाए। इफ अ रिपीट ऑर्डर, रिपीट का मतलब है अब ये एडिशनल ऑर्डर है, जब भी मैं ये सिलेक्ट करूं उस बात को आप अंडरलाइन कर लेंगे बुक में, रिपीट ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनदर 8 इक्विपमेंट, अब हमें अगले 8 बनाने हैं,
तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आठ तो हम बना चुके हैं और अगले आठ बनाने हैं, तो लर्निंग कर्व की जो स्टेटमेंट है उसमें टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली आठ पहले बन चुके और आठ और बनाने, यानी कि 16। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट लोएस्ट प्राइस। जब भी वर्ड आए व्हाट लोएस्ट प्राइस, व्हाट मिनिमम प्राइस, तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही कंसीडर करनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपनी बुक में। पहले तो हमने 8 यूनिट की वर्किंग कर ली थी, तो अब हम एडिशनल एक और बनाएंगे दो से, क्योंकि अब हमें जो पार्ट बी करना है उसमें 16 यूनिट की जरूरत है। इसमें हम 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 819.2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1307.20। अब देखिए 8192 घंटे तो आपने कॉस्ट शीट में ले लिए, तो अगली 8 यूनिट नेक्स्ट 8 यूनिट आपकी कितने घंटे उसमें बन गई है? बिल्कुल सही है, 1307.2 - 8192, यानी कि इसमें जो टाइम लगा आपका वो लगा 4915.20 घंटे। ठीक है ना, अगली 8 यूनिट आपकी सिर्फ 4915 घंटे में बन गई। तो अब हम जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे नेक्स्ट 8 यूनिट के लिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए रॉ मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं होना है, डायरेक्ट लेबर आवर में कितने लगेंगे? चार हजार नौ सौ पंद्रह घंटे। वेरिएबल ओवरहेड रहेगा निल और फिक्स्ड ओवरहेड रहेगा निल। पॉइंट समझ लीजिए, निल क्यों है, ये हमारा ऑलरेडी 32,000 रुपए जो थे वो हमने जब 8 इक्विपमेंट बना लिए तो उससे चार्ज कर लिए, और फिक्स्ड ओवरहेड तो एक ही बार लगते हैं ना, फिर चाहे जितना प्रोडक्शन करो, तो अगली 8 यूनिट के लिए कोई अलग से फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लगेंगे। तो यहां तक इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 77260.8, और जब हम एवरेज निकालेंगे तो 77260.8 डिवाइडेड बाय 8, तो इसकी वैल्यू आएगी 9657.60। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क है, चेक कर लेंगे आप लोग। चलिए सर, तो हमने P3 क्वेश्चन देखा, और ये P3 क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट हमारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लगना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाते गए हमारा एवरेज टाइम कम होता गया, और पर यूनिट टाइम हमारा जैसे कम होता जाएगा, यानी कि ये कम क्यों हुआ, लर्निंग कर्व की वजह से हुआ। चलिए, जैसे हमने P3 किया है वैसा ही क्वेश्चन P2 है, आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आप एक बार पढ़ लेंगे P2। P3 से इजी P2 है, बट मैंने P3 करा दिया तो उसमें दोनों कॉन्सेप्ट करा दिए, P2 जल्दी से करेंगे। ये स्टडी मटेरियल का दूसरा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द यूज ऑफ लर्निंग कर्व फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन 8 मशीन। डायरेक्ट लेबर आवर दे दिए, घंटे 1000 घंटे है, लर्निंग कर्व 90% है, डायरेक्ट लेबर 15 रुपए है, मटेरियल 1.5 लाख रुपए का है, फिक्स कॉस्ट फॉर आइदर साइज ऑर्डर 60,000 रुपए है। चलिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल सही, पहले हम बनाएंगे P2, पहले हम बनाएंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व।
क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम पर यूनिट, टोटल टाइम पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट नहीं आएगा इसमें, टोटल टाइम ही होता है बस, और इंक्रीमेंटल टाइम। इंक्रीमेंटल टाइम का कॉलम हम बना लेते हैं बट जरूरी नहीं है इसका यूज हो। तो पहली यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1000 घंटे दिया है, क्वेश्चन में लर्निंग कर्व दे रखा है 90%, यानी कि पहली यूनिट का एवरेज टाइम भी कितना है। अब प्रोडक्शन डबल करिए तो इसमें 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 900, फिर से प्रोडक्शन डबल करेंगे तो यह आ जाएगा 810, फिर से प्रोडक्शन डबल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 729। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लें, हमें इसमें कोई रिपीट ऑर्डर है क्या? रिपीट ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 8 यूनिट तक ही बनानी है। ठीक है, अब अगला हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एक 4 मशीन का बनाना है और एक 8 मशीन का बनाना है। रॉ मटेरियल है 1.5 लाख एक यूनिट का, डायरेक्ट लेबर है 15 रुपए से। तो 4 मशीन के लिए मेरे घंटे हैं कितने, 3240 घंटे हैं, और 8 मशीन के जो घंटे हैं वो 5832 घंटे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है 60,000 रुपए है, यहां पर ये नहीं लिखा है कि पर यूनिट है, इंस्टीट्यूट ने ये 60,000 रुपए पर यूनिट माना है और मैंने इसको 60,000 रुपए टोटल माना है, क्योंकि जब तक हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया हो हम वही मानेंगे। तो ये 60,000 रुपए मैंने कहा कि कोई भी साइज का ऑर्डर हो 60,000 रुपए है, अगर हम इसको पर यूनिट मानेंगे तो हमारा आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कर जाएगा। तो कैलकुलेशंस पे नहीं मतलब हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखनी है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आई, इसकी आएगी 7,08,600 और इसकी आएगी 13,47,480। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये 1,77,150 और 1,68,435। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था P3 के जैसा। P3 में चूंकि एक एडिशनल कॉन्सेप्ट था इसलिए वो हमने उसको करा दिया, तो पहले P3 इसीलिए कराया था, P2 उसका बिल्कुल सिंपल डुप्लीकेट था, बिल्कुल कोई इसमें ज्यादा मेजर चेंज नहीं थे। चलिए सर, अब हम थोड़ी देर में आपको अगली प्रॉब्लम कराएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।